दोस्तों, तो आज की हम वीडियो बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो कंडक्टर की जो भर्ती हुई थी, उसकी जो परीक्षा हुई थी, उसका जो परिणाम है वो आ चुका है। हम इसमें बात करेंगे इसमें जो कितने जो है कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है और उसका जो इंटरव्यू है वो किस डेट को होगा। तो जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, ये आपका रिजल्ट है इसका, जो एग्ज़ाम है वो 18 अक्टूबर को हुआ था और इसमें जो टोटल कैंडिडेट थे वो 43,996 थे, लेकिन इसमें से 16,736 जो है एबसेंट थे। तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट है वो 1,882 जो है इसमें जो है शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं इस वैकेंसी के लिए। तो इसमें जो है टोटल वैकेंसी 568 है। तो ये जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से है। तो आप इसमें अपनी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, अगर आपका लिस्ट में नाम, तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये टोटल आपकी पूरी लिस्ट है, इसका जो मैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो इंटरव्यू है, जिसके कि आपके डॉक्यूमेंशन के नंबर लगते हैं, वो आपका 23 मार्च से लेके 17 अप्रैल तक चलेंगे। और इसमें आपका डॉक्यूमेंशन के नंबर रखेंगे, जैसे कि लैंडलेस हो गया, अगर आप जो है आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो उसका भी जो है डॉक्यूमेंट लगता है, वो आप सारे डॉक्यूमेंट बना लें। अगर आपका जो है इसमें लिस्ट में नाम है तो आपको उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 15 नंबर जो आपके डॉक्यूमेंट के लगेंगे। दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं और आप जो है अपने डॉक्यूमेंशन की जो है डॉक्यूमेंशन की तैयारी कर लें, आप जो डॉक्यूमेंशन जो है बना लें। तो दोस्तों, ये जो आज का रिजल्ट है वो आपका कंडक्टर का आया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करते, लाइक करते, साथ में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें।